साहब, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है। सर, एक आम आदमी मुसलमान जो है अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत करता है और उसकी ज़िंदगी में ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए, क्या मुमकिनात में से है? मुमकिनात में से तो है, लेकिन दो बातें ज़हन में रखिए। पहली बात तो ये कि आप कभी भी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आप हुजूर को देख रहे हैं, चाहे वो हुजूर ही हो। इसलिए कि ये जो हदीस है कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, तो इसमें तो जाहिर बात है कि खिताब जो था सहाबा से था, सहाबा हुजूर से हुजूर को देख चुके हैं, वो तो पहचान सकते हैं कि ये शक्ल जो इस वक्त सामने आ रही ख्वाब में, ये हुजूर की है या नहीं है। मैं और आप कैसे करेंगे? लिहाजा इसमें वो यकीन की बात नहीं हो सकती। दूसरे ये कि आया इसकी ख्वाहिश ये कोई बहुत अहम शय है, बहुत ज़रूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो चीज़ अहम है दीन की वो तो पीछे डाल दी हो और गैर अहम दीन शय के जो है वो हम उसको उसकी आरजू अपने दिल में लिए बैठे हों। अहम तो ये है कि अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करो, माल खपाओ, जान खपाओ, एक जमात में शामिल हो जो काम कर रही हो, ताकि वो जमात अगर मिन हैसुल जमात मजबूत हो जाए तो बाकी से टकराओ। असल बात तो अहम ये है। बाकी हुजूर ख्वाब में आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सच्चा ख्वाब भी हो सकता है, ये भी ठीक है। आज भी सच्चे ख्वाब जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये रुया सादका या रुया सालिहा, ये नबूवत के 46वें या 60वें जुज के बराबर है। ये सिलसिला जारी है, आज भी आते हैं लोगों को ख्वाब, ये ख्वाब देखा है, जो वाकया देखा एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, चार दिन बाद, बैन ही वो वाकया ज़रूर पज़ीर हो गया। हदीस में आता का फलक सुबह, वो ऐसे वाकया ज़रूर में आ गया जैसे सुबह तुलू होती है। ये सच्चा ख्वाब है, इसका मतलब ये है कि मलाइका का जो आलम है उसके साथ उस इंसान की रूह का कुर्ब हो चुका है। तो मलाइका के हाथ में होते हैं वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स। आपको मालूम है कि कहाँ इस्लामाबाद में कोई फैसला हो गया यहाँ के किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए कि इसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचाओ। अब अभी वहाँ ऑर्डर फर्ज कीजिए कि अभी टेलीफोन वगैरह नहीं थे, तो टाइप हो रहा है, टाइप होकर वो फिर जाएगा, फिर दस्तखत होंगे, फिर जाएगा लाहौर आएगा, तो वक्त लगेगा ना। लेकिन इस अरसे में वहाँ का कोई आदमी जो है वो बता देता है उसको कि तुम्हारे लिए ये ऑर्डर हो गए भाई, अभी वो ऑर्डर तो नहीं आया उसके पास, पता चल गया कि ऑर्डर हो गए। इसी तरीके से फरिश्ते बाज़ औक़ात जो है जब किसी का कुर्ब होता है तो उनसे मालूम हो जाता है उन्हें कि क्या वाकया ज़हूर पज़ीर होने वाला है। वो वाकया इसका नाम है रुया सालिहा, रुया सादिका। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो रिवायत है और वो मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है कि जो वही का आगाज़ हुआ है हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें सबसे पहले ये सच्चे ख्वाब ही आप देखते थे। तो जो आप देखते थे वो आलम वाकया में कफलक सुबह, उसी तरीके से वो वाकया ज़हूर पज़ीर हो जाता था। ये गोया कि आगाज था इसका कि रूह मोहम्मदी का वो रू आलम अरवाह के साथ, आलम मलाइका के साथ अब इत्तेसाल हो गया है। अब उसके बाद फिर वही शुरू हुई है, बराह रास्त जो है वही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कराए, पहली वही गार हिरा में। तो ये बात आपकी जो थी ख्वाब की, तो ख्वाब में हुजूर आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ख्वाब में कोई और भी हमारे जो औलिया अल्लाह गुजरे हुए उनकी अरवाह में से भी रूह आ सकती है, कोई शक नहीं, लेकिन आप यकीन से नहीं कह सकते। हो सकता है कि किसी शैतान ने कहा हो और आपको वो कोई वरगला रहे हो। तो दूसरी लाजमी बात जो है वो इन ख्वाबों की ये होगी कि कोई शय अगर किताब और सुन्नत के मुनाफी कही जाए तो कहिए शैतान का ख्वाब है, चाहे कहने वाला कह रहा हो कि मैं रसूलुल्लाह तुमसे बात कर रहा हूँ, नहीं, किताब और सुन्नत के खिलाफ बात है तो शैतानी ख्वाब है, रद्द करो। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप अगर दिल गवाही दे दें कि वाकई हुजूरी थे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं। और इस ख्वाब से कोई हुक्म शरई साबित नहीं हो सकता कि मुझे तो ख्वाब में ये बता दिया हुजूर ने, वो तो यूँ है, मेरे लिए तो शराब हलाल कर दी है, तो वो शैतान ही कर सकता है, हुजूर तो नहीं कर सकता।